ये देखो यहाँ पर जो ये खूबसूरत सी मूर्ति देख रहे हो, तो यहाँ पे मैंने लिए थाली और ये सब एक थाली में आया जिसका जो प्राइस है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैं जा रहा हूँ अमेरिका के सबसे बड़े टेंपल में। तो उधर सामने लिखा हुआ है अक्षरधाम। यार कितना अच्छा लग रहा है यार, मतलब जब भी मैं अमेरिका के अंदर इंडियन चीजें ऐसे नाम वगैरह पढ़ता हूँ ना तो एक अलग ही फील आता है। तो यहाँ पे है गुरुद्वारा और सामने है एंट्री। तो ये लिखा हुआ है अक्षरधाम आर्ट एंड कल्चर सेंटर। तो ये हम लोग एंटर हो गए हैं मंदिर में। और यार ये देखो यहाँ पे एक छोटा सा तालाब बना हुआ है। तो ये देखो यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है नमस्ते वेलकम, और फिर नेक्स्ट पे फिर नमस्ते लिखा हुआ है। और ये इन्होंने राउंड अबाउट बनाया हुआ है जो कि यार काफी बढ़िया। ये देखो ये राउंड अबाउट है गोल चक्कर पे, कितनी अच्छी इन्होंने डेकोरेशन की हुई है। तो यहाँ लिखा हुआ है मंदिर ड्रॉप ऑफ पैकिंग कंस्ट्रक्शन पार्किंग पार्किंग लोडिंग जोन। तो हम लोग यहाँ चलते हैं, यहाँ पे पार्किंग है सामने। तो ये हम लोग आ गए हैं। तो यहाँ पे कर दिया अपनी बसंती को खड़ा मैंने। और लास्ट टाइम मैं जब आया था ना तो ये वाला जो देख रहे हो ना सिर्फ बिल्डिंग, तो ये वाली बिल्डिंग खुली हुई थी और बाकी सब बंद था। तो अभी मैं ऑनलाइन चेक कर रहा था तो ये जो बिल्डिंग है ये भी ओपन है और उधर साथ में भी ओपन है, उधर कैफेटेरिया बन चुका है, तो काफ़ी सारी चीज़ें बन चुकी हैं। तो लास्ट ईयर भी मैं इसी टाइम पर आया था सर्दियों के टाइम पर, और अभी भी आया हूँ तो आज भी काफ़ी ज़्यादा सर्दी है यहाँ पर। और ये देखो यहाँ पर जो ये खूबसूरत सी मूर्ति देख रहे हो उसके पीछे एक और है जो कि अभी एक और बिल्डिंग बन रही है, और वो मेरे को लग रहा है वो जो मेन मंदिर होगा जो सबसे उधर दिख रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिया इंडियन ओशन। तो यहाँ पे जो है अपने हिंदुस्तान का मैप बनाया हुआ है इन्होंने, और यहाँ पे इसके बारे में लिखा हुआ है। इंस्पायरिंग म्यूजिक चल रहा है बहुत अच्छा। यहाँ पे इस तरीके के स्टोन पे इन्होंने लिखा हुआ है जर्नी इंस्पायरिंग लव। अगर आप लोग को रीड करना है तो आप लोग वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हो। ये देखो अमेरिका में मैंने बहुत सारे टेंपल देखे हैं, बट ये जो टेंपल है ना ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही खूबसूरत है, जैसे अमेरिका का सबसे बड़ा है बट खूबसूरत बहुत बनाया हुआ है। वो अभी यहाँ पे म्यूजिक चल रहा है ना वो भी बड़ा अच्छा लग रहा है यार। और मुझे लग रहा है यहाँ पे है ना इन फ्यूचर यहाँ पर वो म्यूजिकल शो होगा, मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे दिल्ली में होता है ना, तो वो वाला फील आ रहा है मेरे को यहाँ पे। बहुत बढ़िया यार, बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है, एक ही चीज़ मुँह से निकल रही है बार बार। यहाँ इन्होंने स्पीकर लगाए हुए हैं, वहाँ लिखा हुआ है मंदिर एंट्रेंस। अभी भी है ना ये 100% कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इन फ्यूचर जब 100% कंप्लीट होएगा ना तब भी मैं वापस आऊँगा यहाँ पे। और यहाँ पे ना ऑटोमेटिक डोर है, अगर हम लोग इसको प्रेस करेंगे ना तो ये देखो ऑटोमेटिक डोर खुल जाएगा, दोनों डोर खुल गए। तो ये है अंदर का नज़ारा। ये ऊपर देखो यार कितना बढ़िया काम किया हुआ है। और मैं इसके बारे में रीड कर रहा था कि जो आर्टिस्ट है ना वो इंडिया से आए हुए थे इधर काम करने के लिए। ये वाला नज़ारा देखो यार, यहाँ से पूरा ओपन है, पूरा आसमान दिख रहा है और शीशे लगे हुए हैं। और अब हम लोग जा रहे हैं दूसरी बिल्डिंग में जिसमें मैं पहले जा चुका हूँ, उसके बाद हम लोग वापस आएंगे। इसके पीछे कैफेटेरिया वगैरह है और देखते हैं किस तरीके का खाना मिल रहा है और क्या क्या सामान मिलता है। तो जो ओरिजिनल मंदिर है ना वो इसके अंदर है, तो इसके अंदर हमें शूज उतारने पड़ेंगे। तो अभी तक शूज नहीं उतारने पड़े थे वहां तक क्योंकि वो सिर्फ एंट्री थी। और इधर है जो मेन मंदिर है, ये देखो चलो यहाँ से दर्शन हो गए हैं। तो ये इन फ्यूचर बनेगा तब आते हैं इसको देखने के लिए।
अंदर जो मेन मंदिर है ना उधर वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, तो मैंने इसलिए बनाई नहीं, पर जो अंदर का जो नज़ारा है ना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। पूरा जो अंदर से जो टेम्पल है वो मार्बल से बना हुआ है और इटालियन मार्बल है। तो मैं पूछा था कि इंडियन मार्बल क्यों नहीं यूज़ किया है, तो बोल रहे थे कि इंडियन जो मार्बल होता है ना हार्ड होता है, उस पर थोड़ा काम करना मुश्किल होता है, तो इस वजह से जो इटालियन मार्बल है उस पर काम करना ईजी होता है। तो ऐसा मेरे को बता रहे थे अंदर अभी। तो अगर आप आते हो तो आपको टूर देते हैं जो फ्री टूर है, कोई चार्जेस नहीं है। तो पहले हम लोग चलते हैं कैफ़े में और फिर बाकी ये यहाँ पर है। अगर आप लोगों को कुछ अलग से स्वीट स्नैक्स ख़रीदना है तो बाद में मैं इसमें आऊँगा क्योंकि मुझे कुछ ख़रीदना है। तो अभी चलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर है मेन्यू, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। पाव भाजी जो बना के रखा हुआ है, कचौरी है, और यहाँ पर ये क्या है, कचौरी, पाव भाजी, चिली पनीर, और यहाँ पर खिचड़ी भी है, और यहाँ पे सब ड्रिंक्स रखी हुई हैं। यहाँ पे रखा हुआ है ढोकला, मेरा मन कर रहा है ढोकला खाने का। तो यहाँ पे मैंने लिया है थाली, और ये सब एक थाली में आया है जिसका जो प्राइस है $13.85 है। तो इसमें अनलिमिटेड था, इन्होंने एक थाली दी, इन्होंने बोला जितना आप भर सकते हो भर लो, तो मैंने ज़्यादा भरा नहीं क्योंकि मैं खाना वेस्ट नहीं करता, जितना मुझे चाहिए था मैंने वो लिया है। तो यहाँ पे है पालक पनीर, और ये है छोले, ये है दाल, चावल, पराठा, और स्वीट में है गुलाब जामुन और अचार है, और साथ में है थोड़ा सा नमकीन ढोकला। तो यह है कैफेटेरिया जहाँ पे आप बैठ के खाना खा सकते हो। तो बहुत ही अच्छा सुंदर बनाया हुआ है, यहाँ पे बीच में इन्होंने यहाँ पे पेड़ बनाया हुआ है, तो काफ़ी सारी है बैठने की जगह। तो सबसे पहले हम लोग खाते हैं राइस के साथ। चावल और पालक पनीर का तो टेस्ट बहुत अच्छा है। अब दाल हम लोग ट्राई करते हैं। बढ़िया, मेरी दाल तो मीठी है, मैं मीठी दाल तो मैंने कभी खाई नहीं है पहले। काजू वगैरह डाले हुए हैं दाल में, तो ये दाल शायद कोई अलग ही तरीके की दाल है। मैंने उनसे पूछा था ये क्या है, तो उन्होंने कहा था दाल है, मेरे को तो पहले सांभर लग रहा था, बट इसका टेस्ट अच्छा है। बट मैं पहली बार खा रहा हूँ कोई स्वीट दाल, आज से पहले मैंने कभी स्वीट दाल नहीं खाई है। अब हम लोग ट्राई करते हैं छोले। भाई छोले तो ज़बरदस्त है, भाई पनीर और छोले तो एक नंबर है, मतलब ज़बरदस्त। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया जब मैंने देखा यार यहाँ पे तो थाली मिल रही है। अगर आप मंदिर में आ रहे हो और मंदिर का खाना मिल रहा है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। अभी खाना ख़त्म हो गया और खाना यार बड़ा ज़बरदस्त था, और अभी थोड़ा सा ना खाना बच ही है तो यहाँ पे ना पैक भी कर देते हैं। तो मेरा खाना पैक कर दिया है, तो इसको मैं शाम को खा लूँगा बाद में। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ साइड में जो शॉप है। यहाँ पे सब स्वीट्स रखी हुई हैं, ये नहीं मेरी फेवरेट काजू कतली, तो ये काजू कतली केसर है, ये भी काजू कतली केसर है। तो अभी फ़िलहाल नॉर्मल काजू कतली तो है नहीं, केसर वाली है, तो यही लेनी पड़ेगी। तो मंदिर के अंदर मैंने 2 घंटे से ज़्यादा टाइम लगा दिया, मेरे को पता भी नहीं चला है, और बाहर देखो अंधेरा हो गया है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को बाहर से जो भी लाइटिंग है ना, बड़ी प्यारी लाइटिंग हो रखी है, कलरफुल, तो मैं सोचा चलो आप लोगों को लाइटिंग भी मैं दिखा देता हूँ। अभी वहाँ पर म्यूज़िक चल रहा है उस तरफ में काफ़ी लाउड। तो ये देखो ये लाइटिंग का नज़ारा है अब रात को, ये देखो यार बहुत ही खूबसूरत है।
जय, योगी जी महाराज की जय, प्रमुख स्वामी महाराज की जय, महंत स्वामी महाराज। अब हम लोग निकलते हैं बसंती की तरफ। और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलो, चैनल सब्सक्राइब करो, फिर जल्द मिलते किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। और जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, बिलीव इन योरसेल्फ, मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू। आई लव यू दोस्तों, बाय, टेक केयर।